नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा तीसरा वीडियो में स्वागत है। राजस्थान का मैंने अपने दो वीडियो पहले बना चुका हूँ। राजस्थान के परिचय को लेकर दोनों वीडियो थे, जिसमें राजस्थान की अवस्थिति को लेकर, राजस्थान की जिलों को लेकर। आज हम मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का फिजिकल डिविजन, इसको लेकर आज का वीडियो मेरा है कि राजस्थान के कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, कहाँ से उसके मानचित्र हम देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सा प्रदेश, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान का कितना विस्तार भी हुए, उसकी क्या क्या विशेषताएं, उसके सामान्य परिचय, उसके उप विभाग के बारे में बात करेंगे, उसमें होने वाली विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो भौतिक प्रदेशों को लेकर राजस्थान के भूगोल में, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश होते क्या, सबसे पहले राजस्थान भारत का एक सबसे बड़ा राज्य है, भौतिक प्रदेश कहलाता है। भौतिक मतलब होता है फिजिकल, यानी वे चीजें जो बाहरी आवरण में, अर्थात वे जो बाहरी आवरण में हैं, अर्थात वे जो बाहरी आवरण में हैं, मतलब जो हमें देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, मतलब जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मैदान, घाटियां, नदियां, ये सब भाग इसमें आ जाएंगे। तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, इसको हम इस रूप में बता सकते हैं। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, इसको हम चार भागों में बांटते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम चार भागों में बांटते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश चार हैं, एक, दो, तीन और चार। कौन कौन से? पहला भौतिक प्रदेश है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के पश्चिम में स्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह मरुस्थलीय प्रदेश है वो थार के मरुस्थल का भाग है। यह मरुस्थलीय प्रदेश थार के मरुस्थल का भाग है। दूसरा राजस्थान का भौतिक विभाजन या भौतिक विभाग है, जिसे हम कहते हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला। मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी ये मरुस्थल पहला भाग मरुस्थल के रूप में है, भौतिक प्रदेश है। दूसरा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, वह अरावली यानी पर्वत के रूप में। यह राजस्थान के मध्य से ऊपर गुजरता है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला। यह अरावली श्रेणी का ही भाग है, ठीक है। अगला भाग आता है तीसरा राजस्थान का भौतिक प्रदेश, वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश तीसरा भाग है, यानी ये मैदानी वाला भाग कहलाता है। चौथा भौतिक विभाग राजस्थान का वह है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथा भौतिक विभाग राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी, यह राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। आप इसको मानचित्र में देखिए, मानचित्र में इसको देखना जरूरी है, क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम मानचित्र दे देता है क्वेश्चन में, और कह देता है कि कौन सा भौतिक विभाग, चार एबीसीडी दे देगा और कहेगा कौन सा भौतिक विभाग क्रम से जमाइए, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो पहला हमने पढ़ा था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये पूरा भाग आपको जो दिख रहा है राजस्थान के पश्चिम में स्थित है, इसे इसको बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी पूरा भाग मरुस्थलीय है। कैसा भाग है? मरुस्थलीय। दूसरा भौतिक विभाग है राजस्थान का मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान के मध्य से फिर ये जो पर्वत नंबर दो लिखा है मैंने, ये जो भाग दिख रहा है वो मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला का है। तीसरा भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी पूर्व की तरफ है राजस्थान की, पूर्व की तरफ ये भाग जो दिख रहा है आपको, वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तीसरा भाग राजस्थान के मानचित्र में इस प्रकार से देखेंगे। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी ये पूरा भाग पठार वाला भाग है, ठीक है। फिर राजस्थान के चार भौतिक विभाग, उनकी मानचित्र हमने अवस्थित देखी। फिर हम आगे बात करते हैं, सामान्य से कई बार सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं इस भौतिक प्रदेश को लेकर के, जैसे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो पश्चिम मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है आपको बता दूं, 60.11% भाग लिया, यानी राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है 3,42,239% में से 60.11% केवल मरुस्थली भाग लिए हुए, ठीक है। इस 60.11% क्षेत्र पर 40% जनसंख्या रहती है, यानी ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग की पहली विशेषता। दूसरी, यहां यह भौतिक विभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60.11% भाग लिए हुए है, और यहाँ पर जो जनसंख्या रहती है, इस 60% जनसंख्या पर 40% जनसंख्या रहती है, 60% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या रहती है। दूसरा भौतिक विभाग है जिसे हम बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला। तो मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसका 9% भाग लिए हुए है, ये पूरा भाग राजस्थान के 9% को क्षेत्र को घेरे हुए है, और इस 9% क्षेत्र पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है,
9% एरिया में राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है, यानी अरावली भाग 9% भाग लिए हुए, 10% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। तीसरा भौतिक भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश, आप देख रहे हो पूर्वी मैदानी प्रदेश, यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.3%, यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.3% क्षेत्र लिए हुए है, और यहाँ पर इस 23.3% क्षेत्र पर 39% जनसंख्या निवास करती है, यानी क्षेत्र कम है जनसंख्या ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैदानी प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? मैदानी, मैदानी प्रदेश होने के कारण यहाँ अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ कृषि व्यापार उद्योग ये आसानी से, और नदी घाटी वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा वास करती है। चौथा भौतिक भाग है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7% भाग लिए हुए, कितना प्रतिशत भाग लिए हुए? 7%, और इस 7% भाग में 11% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 11% जनसंख्या निवास करती है। तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या, कौन से प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है उसको लेकर के है। नेक्स्ट है संरचना, हम संरचना की बात करते हैं, ठीक है। पश्चिम और उत्तर प्रदेश किससे बना, उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको छोटा सा बात बता दूं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, महाद्वीपों का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले कहा जाता है ग्लोब पर एक बड़ा महाद्वीपीय भाग था, एक बड़ा महाद्वीपीय भाग था, उस बड़े महाद्वीपीय भाग को कहा जाता था पेंजिया। उस बड़े महाद्वीप भाग को क्या कहा जाता था? पेंजिया। और उसके चारों सागरीय भाग था, महासागरीय जल वाला भाग, समुद्री भाग, उसको बोला जाता था पेंथालासा। को क्या कहा जाता था? पेंथालासा। तो बड़े महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल, ठीक है, महाद्वीपीय भाग को फिर ये दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो जब ये दो भागों में जैसे बढ़ जाता है कार्बोनिफरस युग में, तब क्या होता है कि जो जलीय भाग है वो इसके बीच में आ जाता है। तो ये पेंथालासा था, पेंथालासा दो भागों में बट गया। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं अंगारने, और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं गोंडवानाले। ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी भाग को गोंडवानाले पेंजिया के, और पेंजिया के दक्षिण वाले भाग को कहा जाता है गोंडवानाले। अंगारनेट को लॉरेंशिया भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अंगारन और गोंडवानलैंड के भी जो सागरी भाग है उसको बोलते थे 33 सागर, 33 सागर, ठीक है। फिर ये अलग अलग भागों में बढ़ता गया। फिर हुआ ये कि जब भारत का दक्षिण को यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जब उत्तर की ओर बढ़ने लगी अफ्रीका से टूट करके, ठीक है, तब उस समय क्या होता है 33 सागर वाला भाग वह यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट के आपस में अभिसरण के कारण आपस में जब मिलती है तो उसमें जब 33 सागर है वह पीछे की ओर घिसक जाता है और मरुस्थल क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है, जो थार के मरुस्थल का रूप ले लेता है, ठीक है। तो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की जो संरचना है वो 33 सागर, 33 सागर का अवशेष, ठीक है। ये बात क्लियर होगी कि पश्चिम मरुस्थल प्रदेश वो 33 सागर का अवशेष है। फिर हम बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला, ये किससे बना? तो गोंडवाना लैंड है वह राजस्थान के अरावली क्षेत्र को भी लिए हुए, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि गोंडवाना लैंड का देहली क्रम, देहली क्रम के चट्टानों या उससे बना हुआ संरचना है, ठीक है। मध्यवर्ती अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड की देहली क्रम की संरचना मानी जाती है। तीसरा भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो मैदानी भाग है और ये नदियों द्वारा पाट दिया गया है। किसके लिए? नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी से धीरे धीरे ये भाग क्या कर दिया गया? भर दिया गया। तो ये नदियों द्वारा, ये संरचना किसी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, तीसरा भौतिक भाग उसकी संरचना। चौथा भौतिक भाग है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये है गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग माना जाता है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश पूरा गोंडवाना लैंड का ही भाग है। भारत का पठारी प्रदेश, प्रायद्वीप पठार
और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा भाग माना जाता है। तो चारों भौतिक प्रदेशों की हमने जन क्षेत्रफल देख लिया, जनसंख्या देख ली और उसकी संरचना के बारे में बात कर ली है। फिर हम बात करते हैं ढाल की, कि जो हमारा भौतिक प्रदेश है उसका ढाल किस तरह है। पहले बात करते हैं पश्चिम मरुस्थल प्रदेश का ढाल, देखो पश्चिम मरुस्थल ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देखो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी इसका ढाल किस तरह है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किसका ढाल है, पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश का ढाल है। सेकंड बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला, इसका ढाल कैसे, ये पर्वतीय भाग है इसलिए इसका ढाल है पार्श्विक ढाल है। कैसा ढाल माना जाता है, पार्श्विक, पार्श्विक होता है, इस तरफ भी ढाल है और इस तरफ भी ढाल है, दोनों ओर ढाल माना जाता है। ये पर्वतीय भाग इस तरफ भी ढाल और इस तरफ भी ढाल है, इसलिए इसको बोलता है पार्श्विक। कैसा है, पार्श्विक, दोनों ओर ढाल है। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका ढाल कैसे है, पूर्वी मैदानी प्रदेश ये वाला भाग है, यहाँ पर हमने लिखा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम ये पूर्व, यानी ये ढाल इस तरह है, यानी यहाँ की जितनी भी नदियां हैं वो इस तरफ बहती है, यहाँ की नदियां यूं बहती, पर्वतीय प्रदेश की नदियां आधी यूं और आधी इस तरफ, ठीक है। परंतु माही बेसिन को छोड़ करके, यहाँ पर माही बेसिन में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, वहां पर ढाल इस तरफ है, ऊपर की उत्तर की ओर आता है वापस दक्षिण की ओर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि माही नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है वापस दक्षिण की ओर चली जाती है, बांसवाड़ा जिले की सीमा और डूंगरपुर जिले की सीमा पर बनाते हुए। फिर हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल कैसे, उसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, उसका ढाल कैसे, दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है, क्योंकि चंबल नदी है वह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, चंबल नदी राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, इसलिए इस नदी जो क्षेत्र का ढाल कैसा है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो यह हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसके क्षेत्रफल, जनसंख्या, संरचना और ढाल के बारे में देखा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, अच्छा लग रहा होगा, आप इस चीजों को नोट भी करते जाएंगे तो बेहतर रहेगा। फिर हम बात करते हैं इनके उपविभागों की, कि पश्चिम अरुणाचल प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, मध्यवर्ती को कितने भागों में, मैदानी भागों को और पठारी प्रदेश को, उसके उपविभाग क्या क्या है। तो पश्चिम अरुणाचल प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, पश्चिम अरुणाचल प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कैसे, पश्चिम मरुस्थली प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं, एक चीज ध्यान रखना, पश्चिम मरुस्थली प्रदेश को जो दो भागों में बांटते हैं उसका जो आधार है वह है समवर्षा रेखा। पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश को जो दो भागों में बांटते हैं उस बांटने का आधार है समवर्षा रेखा, वो कितनी है, वह है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, कौन सा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस मरुस्थल भाग को दो भागों में बांटती है। पहला भाग शुष्क मरुस्थली क्षेत्र या प्रदेश और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटा गया और बांटने का आधार है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, पहला भाग शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। इसको हम मानचित्र में देख लेते ताकि आपको जल्दी क्लियर हो जाए इन चीजों को लेकर। यह हमारा पहला भाग था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, इसे दो भागों में बांटा हमने, दो भागों बांटने का आधार 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये जो भाग दिख रहा आपको, मैंने ये लाइन जो खींची डेजेश, ये आपके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। इस आधार पर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में बांटा है, पहला भाग जिसे हम बोलते हैं शुष्क और दूसरा भाग जिसे हम बोल सकते हैं अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क, यहां तक आप चीज क्लियर होगी। फिर हम बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला, या उससे पहले हम बात कर लें इनकी डिटेल चर्चा कर लेते हैं कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग, पहला भाग है बालुका स्तूप
मरुस्थलीय क्षेत्र और दूसरा है बालुका स्तूप मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र। दो भाग है, बालुका ठीक है, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश दो भागों में शुष्क मरुस्थलीय अर्धशुष्क, शुष्क मरुस्थलीय को दो भागों में बांटा हमने, बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय क्षेत्र और दूसरा भाग है बालुका स्तूप मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र। यानी बालुका मतलब होता है रेत, ठीक है, रेत का टीला, टीले, तो बालुका स्तूप युक्त, रेत के टीलों को स्तूप बोला जाता है, रेत के टीलों से युक्त, यानी एक वह भाग इस शुष्क मरुस्थल में जहां रेत के टीले पाए जाते हैं वो बालुका स्तूप युक्त। दूसरा भाग है बालुका स्तूप मुक्त, यानी जहां रेत के टीले नहीं पाए जाते, रेत नहीं पाई, यानी वो पथरीला भाग, कैसा भाग है, पथरीला। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, यानी शुष्क को दो भाग है, ये पहला भाग, ठीक है, ये भाग है बालुका स्तूप मुक्त, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश ये है जो जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा को, या जीवाश्म जो जैसलमेर का जो वुड फॉसिल्स पार्क है वो भी इसी वाले भाग में स्थित है, ठीक है, यानी ये चट्टानी भाग है, यहाँ रेत के टीले नहीं पाए जाते। उसके अलावा जितना भाग आपको दिख रहा है वो बालुका स्तूप युक्त है, यानी वहां पर रेत के टीले बनते हैं, उन टीलों का आकार अलग अलग होता है, यानी संरचना के आधार पर रेत बालुका स्तूप अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले नाम आप देख लीजिए कि जैसे अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, बरकान, सीत, तारावली, परवली, ये विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं जिनका चर्चा हम जब इसका डिटेल पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे तब करेंगे। दूसरा है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क मरुस्थली प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थली प्रदेश को चार भागों में बांटा गया, अर्धशुष्क मरुस्थली प्रदेश को चार भागों में बांटा गया। पहला भाग है गग्गर बेसिन, गग्गर बेसिन, देखो नक्शे में आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है नंबर फर्स्ट, ये ए लिख देते हैं इसको गग्गर बेसिन, यानी गग्गर बेसिन कौन सा भाग है, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला पार्ट, ये नंबर ए हो गया। नक्शे में आपको मैंने बता दिया है मानचित्र में भी कि गग्गर बेसिन वाला पार्ट हनुमानगढ़ और गंगानगर पार्ट, यानी गग्गर नदी वहां पर बहती है, इसलिए बोलते हैं गग्गर का मैदान, ठीक है। दूसरा भाग है शेखावटी भूमि, ये सीकर चूरू और बीकानेर का पूर्वी भाग आ जाता है इसमें, नंबर बी, चूरू सीकर झुंझुनू और बीकानेर का पूर्वी भाग आ जाता है, ठीक है, शेखावटी भूमि। उसके अलावा है तीसरा उपभाग नागौरी उच्च भूमि, यानी नागौर जिले वाला भाग और नागौर जिले के आसपास वाला क्षेत्र, ये सामान्य धरातल से थोड़ा ऊंचा भाग है और इसे बोलते हैं सी वाले पार्ट में नागौरी उच्च भूमि, इसे हम बांगर भूमि भी बोलते हैं, क्या कहा जाता है, बांगर भूमि। बांगर भूमि होती है प्राचीन बाढ़ काप की मिट्टी, ऐसी जलोढ़ मिट्टी जो प्राचीन समय में लाई गई थी, पुराने समय में थी, उसको बोला जाता है बांगर भूमि बोला जाता है। चौथा बहुत विभाग है राजस्थान अर्धशुष्क का, वो है लूनी बेसिन, यानी ये वाला पार्ट है आपकी डी लूनी बेसिन, यानी जहां पर लूनी नदी प्रवाहित होती है वो भाग कहलाता है लूनी बेसिन कहलाता है। तो नागौर उच्च भूमि को बांगर भूमि कहते हैं और अर्धशुष्क मरुस्थल को, ध्यान से, अर्धशुष्क मरुस्थल को हम राजस्थान बांगर भूमि भी कह सकते हैं, राजस्थान बांगर भूमि भी कह सकते हैं। इन सबकी विस्तृत विविधता जब हम एक एक अध्याय को लेंगे तब हम इनको पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ सामान्य जानकारी ले रहे हैं किस तरह से कितने विभाग है। फिर मध्यवर्ती अरावली प्रश्न कला, इसे तीन भागों में बांटा गया है, इसे तीन भागों में बांटा गया है, ये नंबर दूसरा था मध्यवर्ती, इसमें पहला भाग ये उत्तरी अरावली, ये उत्तरी अरावली, बीच वाला भाग मध्य अरावली और ये आपके दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली सर्वाधिक विस्तृत में फैला हुआ है, मध्य अरावली सबसे कम फैला हुई है, यानी अरावली सबसे कम फैली कहां पर है, तो मध्यवर्ती भाग अजमेर वाले पार्ट में, सबसे ज्यादा उदयपुर वाले भाग में फैली हुई है, दक्षिणवर्ती भाग में फैली हुई है, और मध्यवर्ती भाग उत्तरी भाग है वह मध्य में आता है, ठीक है। लेकिन मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला की तीनों उपभाग के बारे में बात हुई। फिर हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। तो चंबल नदी जहां पर बहती है ऊपर आ गया आपके चंबल बेसिन, बनास नदी और उसकी सहायक नदी का जो क्षेत्र है वो आपके आ गया बनास बेसिन में, पूरा बनास नदी वाला क्षेत्र, और तीसरा आ जाता है आपके माही बेसिन, माही बेसिन, यानी जहां माही नदी अपनी
प्रवाहित होती है, उसके आसपास की नदियां उसमें आकृति मिलती है। तो माही नदी का मैदान, बनास का मैदान और चंबल का मैदान, तो ये पूरी मैदानी प्रदेश के भाग थे। फिर है दक्षिण पूरी पठारी प्रदेश, ठीक है, दक्षिण पूरी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश नंबर चार, इसका जो ढाल मैंने आपको बताया दक्षिण से उत्तर की ओर है और इसे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका, जो फर्स्ट भाग है उसे कहा जाता है विंध्यन कगार भूमि, ये वाला पार्ट, ये है विंध्यन कगार भूमि। सेकंड पार्ट है दक्कन का लावा पठार, जो दक्षिण वाला भाग है, इस वाले भाग को कहा जाता है दक्कन का लावा पठार, यानी दक्कन के लावा पठार से बना और विंध्यन कगार भूमि वाला भाग है। एक चीज आप ध्यान रखना कि अरावली और विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वह बूंदी जिले में मिलती हैं। कहां पर मिलती है? बूंदी जिले कैसा जिला है जहां पर एक तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं और एक तरफ विंध्याचल की पहाड़ियां मिलती है, और बूंदी जिले में अरावली को अडावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अडावल कहा जाता है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के, कि कौन सा प्रदेश कहां कहां कितना फैला हुआ है, उसकी पूर्व विशेषता क्या क्या है, इन सब चीजों को हमने यहाँ पर, और मानचित्र मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कितने भौतिक विभाग है। अब हमारा अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम एक भौतिक प्रदेश का विस्तृत अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अभी सेकेंड गेट में एक क्वेश्चन भी आया था समवर्षा रेखा को लेकर के, वो ये था कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, ठीक है, और पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करती है जो समवर्षा रेखा वो आपके है 40 सेंटीमीटर की। कौन सी है? 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ध्यान रखना पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की पूर्वी सीमा जो समवर्षा रेखा का निर्धारण करती है वो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है, और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वो अरावली के इस वाले भाग में यानी पूर्वी भाग की ओर, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली के पूर्वी भाग में, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अरावली का पूर्वी भाग 50 सेंटीमीटर समवर्षा का निर्धारण करता है और अरावली का पश्चिम भाग 40 सेंटीमीटर समवर्षा का निर्धारण करता है। तो आपको भौतिक प्रदेश आज मैंने बता दिए ऊपरी ऊपरी तौर पर कि क्या कहां पर कितना बसा हुआ, कितना फैला जनसंख्या क्षेत्र पर, उससे जुड़े और आगे की बातें हमारे अगले वीडियो में आएंगी। आप मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ लगी बेल को भी क्लिक कर दिए ताकि मेरे वीडियो आते ही आप तक पहुंच, मतलब जैसे मैं अपलोड करूं नए वीडियो तो आप तक वो सूचना आपके पास आ जाए। थैंक यू, एंजॉय इट।